दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, आर्मी के जवान 30 जवान उसमें, 12 सिविलियन उसमें, और हालांकि जो रिलीफ का जो ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन था, हमने तुरंत शुरू करने के लिए कह दिया था, कर भी दिया था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जोर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर ही रहा था, लेकिन हमें लगा कि तुरंत जो एनडीआरएफ को जो भी यहाँ पर भेजना जरूरी रहेगा, एनडीआरएफ के साथ भी संपर्क करके जो है वहाँ से टीम मूव की, और जैसे मैं लैंड किया तो लैंड करने के बाद अपना जो चॉपर है, सरकारी चॉपर, तुरंत जो हमने वहाँ का वहाँ से भेज करके सुन्नी जा करके, और सुन्नी से कुछ इक्विपमेंट जो जरूरी था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसको यहाँ पर पहुँचाने के लिए हमने कह दिया था। अभी तक तो यही जानकारी मिली है कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है एज पर जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं था, ये जानकारी मोटे तौर पर सुनने को मिली है, लेकिन मैंने कहा कि जांच की रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सारी रात ये कार्य रेस्क्यू का चलता रहा, हम यहाँ पे रहे रोड नाइट, और अभी तक जो बॉडी रिट्रीव, ये कि 6 आर्मी जवान की बॉडियाँ रिट्रीव हुई है, 6 कैजुअलिटी है आर्मी की, 1 सिविल की है, अभी 7 जो एंट्रैप्ड है उनको, उनमें से एक अभी बॉडी शायद दिखी है, उनको रिट्रीव किया जा रहा है, और संभावना है कि शायद 7 में से कोई लोग हमें अनकॉन्शियस या ये है उम्मीद करते कुछ जिंदा मिले, और बाकी जो टोटल सिनेरियो है 30 जवान थे जिसमें से कि कल 17 को रेस्क्यू कर दिया गया था, 6 कैजुअलिटी है और 7 अभी तक अनट्रैप्ड है।